नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लखनदास। लखनदास जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी खंडवा जिला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/4/2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत सिंगाजी महाराज खंडवा जिले के प्रसिद्ध संत हैं, उनकी भक्ति ली थी, गुरु बनाया था, तो 15 साल तक भक्ति करते रहे। उस भक्ति के बाद कोई ज्ञान समझ में नहीं आया, उसी को श्रेष्ठ ज्ञान समझते थे हम। फिर रामायण जी भी पढ़ता था मैं, नवरात्रि में 9 पाठ 9 दिन तक ज्योति जला करके करता था मैं। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं धार्मिक चैनल देखता रहता था। एक बार एक हमारे यहाँ के आदमी गए थे हरियाणा शादी में, और उनने एक पुस्तक लाए थे ज्ञान गंगा। उनने कहा यार ये पुस्तक में कोई चौथा लोग बताते हैं, तो फिर उनने मेरे को दी, मैंने पढ़ी भी और मेरे को समझ में नहीं आई। मैंने कहा चौथा लोग क्या, भगवान राम से ऊपर कोई है ही नहीं, ये सर्वे सर्वा मालिक है। फिर एक दिन टीवी पे साधना चैनल पे संत रामपाल जी का सत्संग आया, तो वो फोटो देख के मैंने कहा ये तो वही संत हैं। तो मैं वो साथ सत्संग सुनने लग गया, तो वो शास्त्र खोल खोल के ज्ञान बताने लग गए संत रामपाल जी महाराज। तो वो मेरे को अच्छा लगा, मैंने थोड़े दिन सुना, 2011 से सुनता रहा मैं उसको, तो मेरे को वो ज्ञान समझ गया। फिर वो सिंगा जी महाराज का जो ज्ञान था वो मेरे को सही नहीं लगा, कि ज्ञान तो ये है शास्त्रों वाला संत रामपाल जी महाराज का। उस ज्ञान को मैं सुनने लगा। फिर हरियाणा की मेरे को मालूम नहीं कहाँ है हरियाणा, किधर है, और वो 2013 में परमात्मा ने ऐसे ही एक दास को वहीं पहुंचा दिया। वो आया, उसका पता लगा, उनने मेरे को बताया कि मैं वहाँ गया था। मैं उसके घर गया, मैंने कहा कब जाओगे, मेरे को भी ले चलना। फिर वो गए और मैं गया वहाँ सतलोक बरवाला आश्रम हरियाणा। वहाँ जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ, लाभ तो ऐसा हुआ, मेरे को शुगर 15 साल से थी, तकलीफ देने लग गई थी, मेरी चल फिर बंद होने लग गई थी, श्वास भराने लग गया था, याददाश्त खत्म हो गई थी मेरी, इसलिए मैंने कहा मेरा मृत्यु का समय आ गया है निकट। मैंने घर का कार्य करता हूँ बड़ा था, मैंने सब छोड़ दिया था, पर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद मैं भी, वो बीमारी मेरे को तकलीफ देना कम हो गई, श्वास मेरा भराना बंद हो गया, मैं चल फिर करने लग गया और याददाश्त भी मेरी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को एक बीमारी और बीच में हर्पिस की हो गई थी, जिसमें से पर्स आना शुरू हो गया था, गोली में खाता रहा, पहले सरकारी हॉस्पिटल की खाई फिर प्राइवेट डॉक्टर की खाई, मैंने कहा इससे आराम नहीं हो रहा, पर वो गोली खुट गई, एक दिन नहीं जा पाया मैं लेने, दूसरे दिन तो मेरे को वो बीमारी ने इतना तंग कर दिया कि मेरे को बुखार आ गया और मेरे को बिस्तर पे पटक दिया उसमें, फिर मेरे पीठ से पर्स चालू हो गया, वो चलता रहा, मेरा खाना पीना भी सब छूट गया, मैं चाय पीता रहा, मीठी पीता था पर वो चाय भी छूट गई, और मेरी स्थिति यह हो गई थी कि अब बस मरने वाला हूँ। लोग रिश्तेदार और गांव वाले सब कहने लग गए अब तो मरेगा वो, उसको शुगर की बीमारी है, वो कैंसर हो गया है, पर मैं परमात्मा की भक्ति करता रहा, संत रामपाल जी के बताई हुई भक्ति करता रहा मैं, जिससे मेरे को सोए सोए में करता था, मेरे शरीर में दम नहीं था, फिर भी सोए सोए में आरती और मंत्र जपा करता था, मेरे को आराम लग गया, मेरा घाव भी अच्छा होगा, पर्स भी ठीक हो गया संत रामपाल जी की कृपा से। एक बार मेरा मोबाइल भी गिर गया था, जिससे उसका डिस्प्ले खराब हो गया था, मेरे को टाइम देखने में परेशानी आती थी, परमात्मा ने उसको 6 महीने बाद वो डिस्प्ले जैसा का तैसा कर दिया। बच्चे को करंट लग गया, 5 साल का बच्चा है उसको, तो दोनों उंगलियों में फफूले आ गए, वो छूट करके कैसे छूटा न, फिर मेरे को कहता दादाजी मेरे को करंट लग गया है, उस वो देखा तो उसके हाथों में फफूले आ गए, उसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले गए और वो अपने आप ठीक हो गया संत रामपाल जी की कृपा से। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी हाँ, मैं बीड़ी बहुत पीता था, कोशिश खूब करता था,
तो बीड़ी छोड़ तो तम्बाकू खाने लग गया, फिर वो तम्बाकू भी नहीं छूटी, तम्बाकू और बीड़ी दोनों के सेवन करने लग गया मैं, आखिर को बीड़ी नहीं छूटी। संत रामपाल जी के वहाँ जाने से, नाम दीक्षा लेने से वो बीड़ी छूट गई। पत्ते भी मैं डेली खेलता था, रोज जाता था, डेली वही नियम था, सुबह 10 बजे खाना खाने के बाद 5 बजे तक पत्ते ही खेलना। उस दिन से नाम लेने के बाद वो पत्ते के साइड में भी नहीं गया मैं, पत्ते नहीं खेले मैंने। और आर्थिक समस्या मेरी ठीक है, मेरे पैर दर्द करा करते थे, चलने फिरने में मेरे को तकलीफ़ आती थी, क्योंकि मैं बीमारी के कारण शुगर का परहेज कुछ भी नहीं करता। आज भी चाय मीठी पीता हूँ, सब जो बनता खाता हूँ। परमात्मा ने सुनी, रामपाल जी महाराज ने एक गाड़ी भी दिला दी और वो पैर दर्द भी बंद हो गए मेरे। अब मैं गाड़ी खुद चला के जाता हूँ हर सत्संग में सेवा करने के लिए संत रामपाल जी की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो भी सत्संग सुने टीवी के माध्यम से, साधना चैनल पर 7:30 बजे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल पर पट्टी में नीचे मोबाइल नंबर आते हैं, उनसे संपर्क करके, और हर गांव में कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे जानकारी लेके वो बता देंगे, नाम दीक्षा लेने के लिए वहां जा सकते हैं सत्संग में। धन्यवाद सर। सत साहिब।